फिर से स्वागत करता हूँ आपको अपने इस चैनल में। अभी हम आज बात कर रहे हैं देश में क्या हो रहा है, सभ्य समाज के समझ से परे है। पहले कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है और कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, ईडी द्वारा गिरफ्तारी होती है और ये कहा जाता है कि लिकर पॉलिसी में इन्होंने किकबैक्स लिए हैं और शरत चंद्र रेड्डी है उनकी गवाही पे ये बात कही जाती है कि उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को दिया है जो गोवा असेंबली इलेक्शंस में यूज़ हुआ है। तो बात करें जो गुजरात लॉबी है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के, क्या जो उन्होंने दाव खेला है ये दाव उन पे उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसकी परतें खुल रही है और इसमें बात करें तो शरत रेड्डी की गिरफ्तारी 10 नवंबर 2022 को हुई थी और उसके ठीक 5 दिन बाद वो 5 करोड़ रुपये का बॉन्ड खरीदते हैं बीजेपी का। और अभी तक अगर बात करें उसके बाद फिर जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है तो उनको रिहा किया जाता है। जो पीएमएलए है, पीएमएलए के तहत ही कार्रवाई हो रही है और ये जो कानून है ये दरअसल जो टेररिज्म के लिए जो फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जो टेररिज्म है या नारकोटिक्स ड्रग्स के लिए ये लगना था, लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टीज पे लग रहा है। और ये इसलिए कि इस एक्ट में जो जिन पे भी ये आरोप लगते हैं इसमें जाहिर सी बात है कि उनके लिए जो बेल मिलना है वो काफ़ी कठिन हो जाता है या ऐसा कहे कि नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में अभी जो अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार किया गया है और आज उनको लोकल कोर्ट में पेश किया गया है और वहाँ पे जो ईडी ने 10 दिन के लिए उनका रिमांड मांगा था लेकिन 6 दिन का रिमांड दिया गया है। आज ईडी ने 2 बजे रिमांड मांगते हुए 10 दिन का ये कहा कि शराब घोटाले का जो पैसा है वो गोवा में इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास किसी गवाह के बयान है जो वहाँ इलेक्शन लड़ रहा था और उसके बयानों के आधार पर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करें, परंतु ये नहीं बता पाए कि उस गवाह ने नाम तो लिया नहीं। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे दिए, वो कह रहे हैं हम यही जानना चाहते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, दिए हैं या नहीं दिए। हाँ तो अरविंद जी का तो नाम ले ही नहीं रहे वो। अच्छा। तो अरविंद जी का अगर नाम नहीं ले रहे और अरविंद जी ने दिए नहीं है तो मनी ट्रेल क्या अरविंद जी से जबरदस्ती थोड़ी कहलवा देंगे। तो ये केस मनगढ़ंत बातों पर आधारित है। कोर्ट ने चूंकि अब 6 दिन का रिमांड दे दिया है, 10 दिन का उनकी बात नहीं मानी, 6 दिन का रिमांड दिया है और 6 दिन का रिमांड इसलिए दिया कि वो कुछ गवाहों से कन्फ्रंट कराना चाहते हैं और गवाहों से कन्फ्रंट कराएंगे तो इसमें एक बड़ी चीज ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं भी हमें नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी को कनेक्ट कर। तो इस मामले पे जो ब्रीफिंग होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी ईडी की ओर से, लेकिन संबित पात्रा इस पे जो अपना रिएक्शन पूरे तथ्यों के साथ देते हैं ये समझ से पा रहे हैं। तो देखिए क्या कहना है इनका। क्या कारण हुआ कि जैसे ही ये जांच के दायरे में आता है आप तुरंत उसे वापस ले लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते हैं? तो आज तक वो कारण नहीं बताया गया, उसे वापस ले लिया गया। 19 अगस्त 2022 को आप याद करिए पहला सीबीआई रेड होता है मनीष सिसोदिया डेप्यूटी सीएम के घर में और 22 अगस्त 2022 को ईडी फाइल करती है केस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे इकट्ठे किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से। कैसे? कार्टेलाइजेशन अलाउ किया गया है, ये शराब कंपनियों का जो एक जत्था बनाया गया है जो आपस में एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान किया गया। एक्साइज पॉलिसी पहले इन शराब कंपनी जो कि अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको पहले लीक कर दी गई, फिर उसको ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि शराब कंपनी अपने मन मुताबिक इन कानूनों में बदलाव ला सके। जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी होती है उनके लिए कानून में प्रावधान है कि वो इस टेंडरिंग प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक विषय है कि न केवल उन्होंने अप्लाई किया अपितु उन्हें इस पूरे ठेके में शामिल किया गया। केवल इतना ही नहीं,
आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हर कोई जानता है, वैसे आश्चर्य आजकल होता नहीं है अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के विषय में सुनने से। जो कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया, पहले ये 5% पे था, 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6-7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए हैं। इसके लिए दिनेश अरोड़ा जी इत्यादि आपके सामने जो जिन लोगों ने ये किया है वो अप्रूवर भी बने हैं और उनकी स्टेटमेंट आज पब्लिक डोमेन में है। मार्च 2023 में अंततोगत्वा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है ईडी द्वारा। अक्टूबर 2023 में इसी केस में संजय सिंह जी की भी गिरफ्तारी होती है और अक्टूबर 2023 में ही समन भेजा जाता है, पहला समन अरविंद केजरीवाल जी को, कि अरविंद केजरीवाल जी प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, संजय सिंह भी इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं, तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है, इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं हूंगा, मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है। आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए, बीच में क्या हुआ आप देखिए, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इन सारे विषयों को लेकर कई बार, ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। तो वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी के वरिष्ठ नेता जो है आछी ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पे पूरी जानकारी दी और ये कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी है उसका कत्ल किया जा रहा है और 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस है उसके जितने भी लीडर्स हैं उनको, जो भी अपोजिशन में पार्टीज है इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उनको परेशान किया जा रहा है कि अलग अलग लोगों को ईडी इस केस में गिरफ्तार कर रही है, उन पे दबाव बना रही है और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे बयान दिलवा रही है और इन झूठे बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। ये वही शरद रेड्डी हैं जिनके बयान पर आज ईडी रिलाय कर रही है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए, जिन्होंने अपने अरेस्ट के तुरंत बाद 45 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहुंचते हैं रूलिंग पार्टी के पास, कुछ दिन में शरद रेड्डी जी को बेल मिल जाती है। तो आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी को 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयानों के आधार पर केस बना रहे हैं जो उन्होंने ऐसे लोगों से लिए हैं जिनको पहले वो अरेस्ट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में रखते हैं और फिर जमानत का लोभ दिखाकर उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लेते हैं। आज जो इस देश में हो रहा है वो कोई जांच नहीं हो रही है, वो कोई केस नहीं चल रहा है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को
बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को, विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है जब विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि पूरा देश आपकी ये तानाशाही देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा देश आपको इस तानाशाही का जवाब देगा, क्योंकि ये भगत सिंह का देश है, ये बाबा साहेब अंबेडकर का देश है, और इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने के हर प्रयास को इस देश के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। राउस अवेली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिमांड दी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मानपूर्वक अपनी असहमति दर्ज करते हैं। हम विनम्रतापूर्वक कहना चाहेंगे कि कोर्ट के इस फैसले से हम असहमत हैं, लेकिन आज के दिन में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें कोर्ट के पास ईडी के आरोपों के आधार पर रिमांड देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, और यही कारण है कि आज एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट पीएमएलए में ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र एक घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। कि ना केवल उन्होंने अप्लाई किया अपितु उन्हें इस पूरे ठेके में शामिल किया गया। केवल इतना ही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हर कोई जानता है, वैसे आश्चर्य आजकल होता नहीं है अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के विषय में सुनने से, जो कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया, पहले ये 5% पे था, 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया, और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6-7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए हैं। इसके लिए दिनेश अरोड़ा जी इत्यादि आपके सामने जो जिन लोगों ने ये किया है वो अप्रूवर भी बने हैं और उनकी स्टेटमेंट आज पब्लिक डोमेन में है। मार्च 2023 में अंततोगत्वा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है ईडी द्वारा। अक्टूबर 2023 में इसी केस में संजय सिंह जी की भी गिरफ्तारी होती है, और अक्टूबर 2023 में ही
समन भेजा जाता है, पहला समन अरविंद केजरीवाल जी को, कि अरविंद केजरीवाल जी प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, संजय सिंह भी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं, तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर एक जब अक्टूबर 23 को आया, तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है, इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं हूंगा, मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है। आज गुरूर टूटा है, इस देश का कानून कहता है चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए, बीच में क्या हुआ आप देखिए, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार, ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। तो फ्रेंड्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी की ओर से 370 और 400 पार का नारा दिया जा रहा था, उनको वो लक्ष्य साधने में दिक्कतें आ रही है, क्योंकि कहीं जो एग्जिट पोल्स है या फिर इंटरनल जो इनका सर्वेज है, जो देश का जो इनको रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि किस तरह से जो लोगों का रुझान हो रहा है, या फिर अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इसकी सच्चाई खुली है, या फिर जो लोगों के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने लोगों के सामने जो चीज़ें रखी या लोगों ने अपनी परेशानियां रखी, उससे घबराते हुए कहीं बीजेपी डरी हुई तो नहीं है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो इस तरह के षड्यंत्र तो नहीं रचा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अनस्क्रिप्टेड के इस शो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने होस्ट सनम तसद्दुक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।